हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लैप होल्ड करने का तरीका बताऊंगा, लैप होल्ड करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने लैप को होल्ड कर सकते हैं, कि आप इसे नॉर्मल लैप को उठा के यहाँ तक कान के पास तक ला सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लैप कंटेम्प्रेरी में करते कहते हैं, बस लैप होल्ड नहीं कर पाते। आप लोग काफ़ी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखते होंगे, तो आज मैं आपको वो किस तरीके से होल्ड करते हैं उसका तरीका बताऊंगा। तो आपको वीडियो के आखिरी तक देखना है और एक एक स्टेप्स को फॉलो करना है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज हमारे साथ इस स्टेप्स को करने के लिए आराध्या और यशी, इसे आप जानते ही हैं। तो आइए, दो लोग हमारे साथ इस पूरे चीज़ को आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से लेग्स को होल्ड करते हैं, क्या क्या एक्सरसाइज होते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ लेग होल्ड करते कैसे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसका तरीका बताएंगे। और मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहता हूं, ये लेग होल्ड वही कर पाएगा जिसकी स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से खुली होगी। तो आपको सबसे पहले स्ट्रेचिंग्स पे वर्क करना है, उसके बाद आपको लेग होल्ड करना है, जो कंटेम्प्रेरी करते हैं पहले से ही करते हैं, ये प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी कि आप जो स्ट्रेचिंग्स पहले आपकी ओपन होगी उसके बाद ही आप कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेचिंग होल्ड करना है और उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ तरीका उसको भी आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रेचिंग पूरी तरीके से ओपन होनी चाहिए, आपकी सेंटर साइड अपर सब टाइट की स्ट्रेचिंग्स ओपन होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग लेग्स को होल्ड करो, स्टार्ट करो। ये हम लोगों को एक मिनट तक का होल्ड रखना है, ठीक है। अब हम लोग चेंज करते हैं, आपको एक मिनट तक होल्ड करना है, चेंज करते हैं। ये फिर सेम चीज हम लोगों को सेकंड लेग से भी करनी है, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप से किया था वही चीज हम लोगों को सेकंड लेग से करनी है। एक बार हम आपको और करके दिखाते हैं, ठीक है, आप लोग करो। सेकंड साइड, ओके। अब हम लोग इसमें दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, जो हम लोगों को लेग होल्ड करना है और उसके बाद दोनों हाथ से पकड़ के लेग को होल्ड करना है, उसके बाद हम लोगों को अप डाउन करना है। इससे जब तक का आपको एक सपोर्टिंग लेग में, ये आपका सपोर्टिंग लेग है, जब तक का इसमें आपके पावर नहीं होगी आप दूसरे लेग को होल्ड नहीं कर पाओगे। आपको हिप को स्क्वीज रखना है, टाइट रखना है, अगर सही मायने में बोला जाए तो आपको पूरा एक पार्ट को, जब आप लेग को उठाओगे तब आपको एक लेग को इतना टाइट रखना है कि जैसे कोई स्टिक हो या किसी तरीके से, आपको उस तरीके से टाइट रखना है। तो पूरे लेग्स को टाइट रखना है और ये जो एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है, आपको लेग आपके कान के पास आने चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद आपको अप डाउन करना है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ, हाँ, स्टार्ट करो, 5 6 7 गो। इसको भी आपको एक मिनट तक करना है। चेंज, सेकंड लेग से, चेंज। तो हम लोग अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसमें आपको सेम पहले जैसा ही मूव करना है, बट थोड़ा सा चेंज है कि जब हम लोग अपने लेग को उठाएंगे तो आपको उठा के रेलवे पोजीशन में जाना है, फिर डाउन आना है, रेलवे पोजीशन में जाना है, फिर डाउन आना है, रेलवे पोजीशन में जाना है, फिर डाउन आना है। ये चीज आपको 10 times करना है वन लेग से, याद रखिएगा, आपको 10 times करना है वन लेग से,
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चेंज, दूसरे लेग से भी आप लोग सेम चीज करेंगे, तो दोनों लेग से एक ही चीज करनी है। तो हम लोग आगे का स्टेप बताते हैं आपको। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है, आपको लेग को उठाना है एक हैंड से और लेग को छोड़ने की कोशिश करना है। जब आप लेग को छोड़ोगे तो आपकी ये बॉडी अपर आपको स्क्वीज से बॉम्ब से आपको बॉम्ब को बहुत टाइट रखना है और थाइस को टाइट रखना है और जिस लेग को आप उठाएंगे उसको आपको फ्री रखना है और इस साइड का बॉम्ब को टाइट रखना है। अगर आपका बॉडी स्क्वीज नहीं हुआ और आपको जैसे लेग्स को आप ले जाओगे तो आपको उसको साइड में रखना। देखो मैं बता रहा हूं आपको करके, ये देखिए मैंने आप इसका एक लेग को उठाया यहां तक, ये थोड़ा पीछे आओ ये चीज में, ठीक है। अब इसको मैंने यहां से छोड़ दिया और इस साइड की बॉडी का इसका पार्ट टाइट है, ये इसका सपोर्टिंग लेग टाइट है तो ये लेग होल्ड होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जो लेग्स पे आप खड़े हो वो लेग को आपको बहुत टाइट रखना है वरना आप लेग्स को होल्ड नहीं कर पाओगे। चलो हम आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको लेग को होल्ड करना है और किस तरीके से आपको पकड़ के होल्ड करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। होल्ड एंड रिलैक्स, साइड चेंज, सेम चीज, होल्ड एंड रिलैक्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के लेग्स को होल्ड किया है, तो अब आप उसको फ्रंट में कैसे होल्ड करोगे। देखा होगा आप लोगों ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को, वो फ्रंट में भी लेग्स को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, बोथ लेग से अपने लेग्स को होल्ड कर लेते हैं। तो आपको इसका याद ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड में एक्सरसाइज की थी दोनों लेग से, वही चीज आपको फ्रंट पे एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताता हूं और उसके बाद आपको लेग्स होल्ड करने का तरीका बताता हूं। स्टार्ट करते हैं। डाउन अप, डाउन अप, चेंज, देन रेल वे डाउन, रेल वे डाउन, देन रेल वे डाउन, देन रेल वे डाउन, रिलैक्स। तो अभी आपने ये देख लिया कि ये हम लोगों ने एक लेग से जो एक्सरसाइज की है वही एक्सरसाइज हम लोगों को बोथ लेग से करनी है। हम लोगों को इस लेग से भी फ्रंट में वही एक्सरसाइज करनी है और सेकंड लेग से फ्रंट में वही एक्सरसाइज करनी है। तो मैं अब आपको डायरेक्ट लेग होल्ड करने का होल्ड करके दिखाता हूं बच्चों का, ठीक है। स्टार्ट करो, 5 6 7 गो। एंड रिलैक्स। आपने ये देख लिया
कि किस तरीके से लेग्स को होल्ड किया जाता है। मैंने आपको लेग होल्ड करने का पूरा तरीका बता दिया, इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। मोस्टली आप लोग अपने रूटीन में ही यूज करोगे और प्रोफेशनल तरीका है ये एक्सरसाइज। अगर आप लोग रोज करोगे स्ट्रेचिंग होल्ड करने का तो आपका लेग डेफिनेटली होल्ड होगा। आप इसको जितना ऊपर खींच के होल्ड करोगे उसमें स्क्विच पावर पड़ेगी सेकंड लेग पे, तो ये फ्री होके अपने आप होल्ड होगा। इसको आप लोग ट्राई करना, इसको आप लोग घर पे भी कर सकते हो, समय क्लास तो खुल नहीं रही है इसलिए आप लोग घर पे भी कर सकते हो ट्राई करना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और आपको किसी भी चीज की नीड हो वीडियो और टेक्निक से रिलेटेड तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर मुझे इस चीज का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं आपको वो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।